काला नाचना ही पड़ेगा तना उठा नु नु डीजे पीछे लर शायद इतना मेरी बहू माँ सागर की बहू इंडिया पलावा उस पर मेरा गाना बना दे एक रील बना दे मेरे रवा यार मैंने को आए था मेरे जानना की लाओ मर्दुड़ी कुएं कुएं का दम मेरे भी ला दे करो आप सुबह तो ऐसे बोल रहे थे क्या मेरी तरफ तक गिफ्ट थैंक यू बुआ मैं संभाल कर रखूंगी नमस्ते जी राम राम गुड मॉर्निंग तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे गाइस आज मैं बहुत सैड हूँ सुबह सुबह क्योंकि बुआ जान लग रही है अपने घर में बोले बुआ प्लीज आज आज रहने दो पर बुआ मान जाना नहीं है कैदन हो गया आईना तो मैं भी संभालूंगा अपनी पोती जाकर मैं बोल रही हूँ बुआ प्लीज एक दिन और रह लो एक दिन और रह लो बुआ बोल रही है कोई नहीं मैं दो तीन दिन में फिर आ जाऊंगी आप लोगों से मिलने तो भाई अब बुआ हमारा मन तो रख रही है पता नहीं आएंगे या नहीं मन गली दूर ताना पांच मिनट का रास्ता फट दे बुआ नजदीक ही कर रखी है बुआ के साथ दोनों सी बुआ नहीं अपने सारे नजदीक ही है और तो सारे रिश्तेदार नजदीक है बस मेरा घर बहुत दूर है सारा देश जाना कड़ा सी संद है बस मैं परदेश की हूँ ठीक है कहीं रिश्तेदारी दूर की भी होनी चाहिए नहीं बुआ यार बोर बोर पास पास आया कहूँ मैं परेशान हूँ दरवाजा जी उतर जाए तो लंबा टूर भी खींचना चाहिए हाँ ये बात तो है बुआ आपकी गाइस अल्लाह भाई घर में और भी कोई आने वाला आज आज घर में और पर बुआ जा रही है पर और भी आने वाले तो खुशी थोड़ी दुगनी है पर तो इतनी दुगनी नहीं है वो बुआ जा रही है तो इससे थोड़ा सा तेरा नू हो जाएगा आग भाई एक जा रही है कह रही एक जा रही है कह रही नहीं कहेगी मैं तो खा ली नहीं नहीं बुआ यार सवाल कर रहे हो आप इतने अच्छे सीधे बंदे का ऐसे थोड़ी है जो परेशान करेगा मेरे लिए ये बना खाने के लिए मेरे लिए बना खुद ही बेचारी खाना बना बना के खाने लग रही मेरी बुआ मेरे को भी खिला रही है साथ में और घर में आज और भी मेहमान आएंगे आप लोगों को बताएंगे कौन कौन आ रहा है कौन कौन और कल हम जाएंगे अपनी ननद के घर पर मेरा मन नहीं है मेरी ड्रेस नहीं आई है चल तू संतरे ड्रेस दुआऊंगी चल गाड़ी बुआ अगर आपके पास कोई अच्छी सी ड्रेस हो ना तो भेज देना ये आपका भतीजा जरा अपना पैर ये लंबे गोटे वाला जा रहा ना तो आप इसके साथ तो मेरे लिए अच्छी सी एक पार्टी वेयर ड्रेस भेज देना मेरे पे ना तेरा मापा ना आया तो नहीं बुआ मेरा ना आपका साइज थोड़ा बराबर ही है देख ले भाई ले प्रिया मेरी तरफ तक गिफ्ट थैंक यू बुआ मैं संभाल के रखूंगी जब आप लोग आते हो बहुत दिल खुश हो जाता है जो नहीं आओगे कोई नहीं आऊंगा कोई भेज देना चलो भाई इस फूल को हम बहुत संभाल के रखेंगे मेरा गाना बना दे एक रील बना दे एक मिनट पहले मैंने बोलन तो दे सागर की वो इंडिया चलावा वो रील है इंडिया नहीं चलावा तेरे रील बना दे इस पे रील और ओ तेरी का मेरा फोन दादी तो सुना है गाने चल रहा सागर की वो इंडिया चलावा आपको ना ये कोई मजाक वाली नहीं है सीरियस बात है मैं ना जब मैं दादी घर में थी ना सुबह दादी सोने लगी मैं कपड़े सुखा के ऊपर तो नीचे दादी बोलती बोल क्या आज तो मरूंगी मैं बोल क्यों एक खोपा लिया दे एक मेरी चुन्नी लिया दे सुतरी सी आज सुबह सारे हमें रखने थे मैं तो रही थी आपको फोन करने वाली मगर दादी सच मेरा टपक जाए यार मेरे बुखार समय से चढ़े आज मैंने सोती नहीं रही उदाहरण दे लगी मेरे को कि एक छोरी थी यार बाथरूम में मरी पाई कपड़े सुखा हुआ थी दादी ने सोचा कभी मैं भी उसे मेरा तो बुखार हो गया फिर हमारे उपले सूखे हैं और ये मम्मी ने भर दिए कट्टे थोड़े मैंने हेल्प करी मम्मी की और ये सारे ने मेरी और तभी ऑर्डर आ रहा अमेरिका से मम्मी के पास
वहाँ सर्दी ज्यादा है नी तो भाई वहाँ पे हाथ सेकने सूखने के लिए लकड़ी वगैरह तो होती नहीं है। इकट्ठे कर दिया बुकी। हाँ इबिन का मोर लैक कर अमेरिका जाओगे जाओ मैं भी गुस्से सही है भाई वो क्या कभी पीवा एक गोला गेरा ना उसका पी लिए सही को भाई वो क्या होता है उक्का उक्का ना बेरा नहीं यार उक्का वो अच्छा पेन का बेरा सारा वो मजे ले जावे आगे मम्मी आगे नहीं पतले पुतले आज तांग सेल कर देंगे इनकी ओके ओके पेन वास्ता सेल कर देंगे लेवा नहीं है पांच हमारे गेस्ट कहां गए आज क्यों नहीं आए आने लग रहे हैं संध में बैठे हैं जल्दी लेके आओ भाई साड़ी बांध ली है पैर का देखा बुआ ना दी थी प्रिया बोली भाई बुआ कोई साड़ी हो जे कोई लहंगा हो जे मेरे खातर भेजी है तो बुआ ने यह साड़ी दे या फालतू थी बुआ पे तो भाई प्रिया कल ना या पहन कर जाएगी प्रिया चेक करके देख रही भाई मैं अच्छी लग रही हूँ ना अच्छी लग रही हूँ पर मैं इसका एक राय देना कर या बात तो ना दादी बता इसका भाई तो अच्छी लग रही है या ना लग रही है एक बार दादी से जाकर पूछा भाई दादी में कैसी लग रही हूँ दादी बता इसका ना भाई अच्छा हाँ चल पूछ के दादी दादी बताना जरा फिर में साड़ी कैसी लग रही है साड़ी बांध ली जरा और क्या याद आ दिखा मेरे बुआ ने दी थी माँ बेइज्जती छोड़े कर देखिए ਲਰ ਸਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਮਾਂ ਨਾ ਰੇ ਸੁਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਪਟੋਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਕਮੀ ਕੋੜੀਆ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿਮ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਔਰ ਆਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੂ ਖਜਾ ਦੀ ਨਾ ਡੀਜੇ ਪੈਸੇ ਚੁਗਣਾਣੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਊ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਡੀਜੇ ਪੈਸੇ ਚੁਗਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਗ ਮੇਰਾ ਅੰਗਣ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਮੋਟਾ ਹਾ ਪਟੋਲਾ ਹਰ ਮੇਰੀ ਛੜ ਖੜ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਟੋਲਾ ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਪਟੋਲੇ ਅਭੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਸਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਬ ਕੀ ਆ ਜਬ ਆਪ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਤਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਛੈਲ ਮਨ ਤੋ ਕਿ ਸੁਤਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾ ਨਾ ਛੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਦੂਰ ਤੱਕੀ ਨਾ ਛੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੰਮੀ ਸੁਤਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੌਕਾ ਮੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਬੋਲ ਲੈ ਦੇਖੀਏ किस तरह की लागू सुतरी तो लागा मेरे दादी बोले इस तरह की लागा जिस तरह डीजल का पीछे चुगना सुतरी लागा है मैं कह रहा इस तरह की लागा तो जिस तरह पीली साड़ी पहन के तेरी हाइट भी कम है इस तरह की लागा जिस तरह सिलेंडर नहीं है बना सिलेंडर ज्यादा बकवास नहीं मारो ठीक है ना अगर गुस्सा भी आ गया तेरी तारीफ कर रही है तारीफ कर रही है सिलेंडर के सुतरी लागा है सुतरी लागी वाओ पटोला सी बांध ले फिर एक जल जमन दिया फिर मैं भी बांध के देखूंगी हां बुआ ना बुआ ना नहीं आया दादी खातिर दई है इसी लागूंगी मैं सुतरी लागा काल बोले रे दादी सोनी लागा सोनी दादी का बोले बिल्कुल कुछ नहीं सुनना ठीक है रंडी तू भी काल बोले रे सोनी लागा सोनी फोटो लेना जरा एक मारा पटोला रे मारा पटोला सागर दी बू रंदी इंडिगा चला पाजी बात पहले बात का दिखा दी भी है कल तो अलग कल ये ड्रेस थोड़ी पहनूंगी कल तो स्पेशल होगा कल नाचना ही पड़ेगा तो ना उठा कौन से सोनी लगा नाच जा गए करा पे नाचने वाला क्या शादी है वहां पे ना ढोल डाल लगा नाच दिए नाचना के नहीं और के ना ढोल तो बज दोगा बज जाएगा के नाचेगी पर पहाड़ी 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 गाना पे भिजवा देंगे तेरा पहाड़ी गाना मेरे गांव दा लागा मुजरा मुजदा मुजरा रख दे यारी ये गाना ठीक नहीं है प्रिया मेरे गांव है लागा मुजरा तू पार्टी गाना लगा देंगे उठा सोना लगा वो लगा तेरे खातिर अल्लाह देख ले बहुत बढ़िया जा चलना है प्रिया है नहीं मां यार इसकी चलना थोड़ी सी मैं सुतरी लगा है कोई कमेंट करके बताइए प्रिया कैसी लग रही है अच्छी लग रही है बाबू कोई दिक्कत नहीं है ये क्या है मतलब मेरी लाश पर से चल के चलो ये व्हाट इज दिस मेरे लड्डे क्या हुआ
रोज रहा हूँ। आपकी मैंने नए कपड़े लाए आज भाई जगह जाने के लिए, आपको पता है मम्मा ने कितनी शॉपिंग की है। बेटा पापा कंगाल कर दिया आज मम्मा ने। उठो पापा से बोल रहे हैं कि वो ही ने दिए ये साड़ी पूरी 4,000 की लाई हूँ बेटा, वो तो मम्मी का दिल रखने के लिए कि मम्मी गुस्सा नहीं हो। मैं दिला गलना है करिए, और भाई जिसका इंतजार था आप तक आया था भाई कोई आवेगा, एक दीदी तो आएगी है और एक हूँ आनी बाकी है, और फिर कल जावांगे पीड़िया लेकर ननंद के घर जाएगी प्रिया। और भाई मेरी दादी उरा देख ले चेहरे में मुस्कुराहटे कुछ अलग है मेरी दादी की। बताओ उम्र थोड़ी तो होगा नहीं है, कदे बुआ का नंबर पड़ा है, कदे तेजी का नंबर पड़ा है। अच्छा मेरे जाई ता सरी भाई एक तो गई एक एक जावा एक आवा यही तो बात होनी चाहिए यार। अर्जी लग गए घर भरिया रवा यार, मैं नहीं कुआ ता नहीं जानना कि लाओ मर तुड़ी कुएन को कदम मेरे भी ला दे करो। आप सुबह तो से बोल रहे थे मैं लगाऊं, बस अभी आप बोल रहे हो मेहंदी लगाओ मेरे बताइए बढ़िया ला दी तो बस अभी तो बहुत लगानी है। रजियान सुतरा सुतरा ला दे, सोना सोना हाल सोना 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 ला दिया भाई, जावेंगे बच्चे नए नए अच्छे अच्छे बनकर खाना उस मजा है करा, चाहे बात मजा है जाए करा अच्छा पीलिए मैं भाई आधी मेहंदी लग चुकी है और आधी लगने को है, और इस अनकम्प्लीट है तो मेनू बोल रहा भाई क्योंकि बच्चा संभालना पड़ा ना, तो दूध दूध पियाना पड़ा, एक सूख जगह फिर दूसरे पर ला लिए ठीक है। नहीं बात जबरदस्ती लगवान लग रही है, वैसे इतना मन नहीं था मेरा मेहंदी लगाने का, पर तो भाई चलो कोई एक बात दीदी आ चुकी है, एक दीदी शायद सुबह आएगी क्या, तो शाम को भी आ सके। तो भाई आपके अब अच्छे अच्छे कमेंट भी आने लग गए हैं, आप बोल रहे हो भाई आपने बहुत अच्छा करया, मैं ले आप जो अब रियल वीडियो बनाने लग गए हो, हम आप तब जितना प्यार हो उसका उतना प्यार देने की कोशिश करेंगे पुरानी बातों को भूलते हुए। और भाई कल ना जावांगे मैं ले दीदी के घर, वहाँ बच्चों और या वहाँ उन्हें छोटा मोटा जो प्रोग्राम कर किया वो आप तक दिखावांगे, और उसके बाद फिर आपा हिमाचल का टूर निकलेगा अपना बहुत जल्दी, हम बहुत जल्दी जाने वाले आप तक बतावांगे मैं ले, और आपने प्यार देना और सपोर्ट देना। कनिष्क जान लग गया स्कूल में ही आपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई कनिष्क ला बहुत ज्यादा दिक्कत हो करे थी आने जाने में बहुत, और मैं पेशाब करने भी जाया करूँ था नहीं तो यू मेरे पीछे लागे करे था भाई, तो इसका मन अभी हो रहा था चिड़चनापन महसूस हो रहा था। हाँ। तो भाई आदत छूट जाएगी और आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अपना दिखा पावांगे, तो भाई नहीं एक बार वीडियो ना शेयर कर दियो, और जो अपने अपने यूट्यूब फेसबुक के जो फ्रेंड है नहीं वो अपने यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो, प्रिया फैमिली ब्लॉग्स अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। और भाई कल ना आप दिखावांगे अच्छे अच्छे वीडियो, और भाई अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दे, और एक बार कमेंट के जवाब और दे दिया जो अपने पास कमेंट के जवाब हो रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे थे उनका भी सवाल लाकर जवाब देना जरूरी है, क्योंकि भाई आप हमारी फैमिली हो, आप कुछ पूछो तो हम उसका जवाब देने में मतलब बड़ा अच्छा फील करा। हाँ। तो भाई सबसे पहले राहुल का मैसेज आ रहा है कि आपकी मम्मी स्कूल में मतलब क्या करती है, कौन सी जॉब करती है, भाई मेरी मम्मी छोटे बच्चे ने पढ़ावा लगभग पांचवी, हाँ बस उनको पढ़ाते हैं। और भाई दूसरा आ रहा संदीप कुमार का, इसका तो मैसेज आओ भाई, भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, इनके तो हर डेली कमेंट आते रहते हैं। और भाई फिर दूसरा रहा दिवेंद्र का, भाई मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और भाई मैं आपकी वीडियो देखता बहुत अच्छा लगता है। और भाई काजल कह रहा है वेरी नाइस ब्लॉग्स, तो भाई और दूसरा रहा रविंदर फौजी का,
रियल में आप बहुत अच्छे हो और मैं आपके ब्लॉग्स की वेट करती रहती हूँ, ठीक है। इसका यू मैसेज आ रहा अनिल कुमार का, भाई वेरी नाइस। काजल पहाड़ी का मैसेज आ रहा, आप बहुत सारी मेहनत कीजिए, एक दिन आपका भगवान सुनेगा और हम आपके साथ है। भाई देखो ये अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तो भाई ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए।